नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन व्यवसाय का। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी गर्मी की रेसिपी। गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के साथ ही हमारी किचन में बनने शुरू हो जाएंगे अलग अलग तरीके के रायते। और बहुत ही बेसिक सा रायता होता है खीरे का, जो कि हर किचन में बनता ही होगा। हर किचन का अपना एक अलग स्वाद होता है। मैं अपने घर में कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी उसमें से पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक खीरा लिया है और इसको हम अच्छे से पील कर लेंगे। आप यहाँ पे खीरे को पहले से चेक कर सकते हैं कि खीरा कड़वा तो नहीं है। ये मैंने वो वाला खीरा यूज़ किया है जो कि कड़वे नहीं होते। इसके बाद हमने इसे ग्रेटर से मोटा मोटा कद्दूकस कर लिया है। आप जो सबसे मोटे वाली साइड होती है ना, उसी से कद्दूकस करें। उसका ना जो इसका लच्छा निकलता है वो बहुत ही अच्छा लगता है रायते में। इसके बाद मैंने दही ले लिया है और उसको अच्छे से बीट कर लिया है, जिससे जो हमारा दही है वो कर्डल ना हो और बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सिल्की सा उसका टेक्सचर हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है खीरा और साथ में अनियन। अनियन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग अनियन नहीं खाते हैं तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़े से अनार के दानों को और उसके बाद मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिल्कुल बेसिक से मसाले, जिसमें मैंने डाली है काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और काला नमक। मैं यहाँ पे काला नमक ही यूज़ करती हूँ रायते में। काले नमक का फ्लेवर ना बिल्कुल अलग आता है। तो बस हमारा रायता हो गया है बनकर बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से अनार के दाने के साथ। साथ में मैंने ऊपर से गार्निश किया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अनियन, साथ में हरा धनिया जो कि कलर भी लाता है और साथ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो हमारा डिलीशियस सा रायता हो गया है बनकर बिल्कुल तैयार। तो आप अब की बार खीरे के साथ अनार को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके घर में सबको पसंद आएगा। खीरा भी अपने आप में बहुत रिफ्रेश करता है। साथ में जो अनार के दाने होते हैं ना, वो थोड़ा सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर लाते हैं। और मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे साथ हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि आपका एक सब्सक्राइब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं सुबह एक नई रेसिपी के साथ।